सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, जमहूरियत पे बिलीव करती है। हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं, तो इलेक्शन ठीक प्रकार से हो और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए, उसके लिए हमारी तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये अनाउंस किया तो इमीडिएटली पार्टी को स्टेप लेने हैं, क्योंकि कैंडिडेट को क्या अभी उन्होंने वर्कआउट करना है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जम्मू कश्मीर में भी एक कमेटी बनी है इलेक्शन की, उसका मैं सदस्य हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं ग्राउंड से, मंडल अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, जमहूरियत पे बिलीव करती है। देश के बड़ा हु एंड क्राई करा अपोजिशन ने, लेकिन देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला ने जो लोगों से कमिटमेंट करी थी, और सुप्रीम कोर्ट का योगी वो था, इलेक्शन होने जा रहा है और होपफुली लोग हमें मौका देंगे। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरह की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आने वाली है जो आने वाले इलेक्शन में? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लोग मौका देंगे सेवा करने का सर, लेकिन इसी में अभी बयानबाजी भी होना शुरू हो गई है। अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पहले ही सत्र में हम 370 का बिल लेके आएंगे अगर हम वो जीतेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोगों ने तय करा है एब्रोगेशन का, लोग डिसाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो उसी संदर्भ में इस प्रकार की बैठकें अभी चलेंगी। आने वाले दिनों में जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, इन सभी पर सिलेक्शन का सिलसिला भी चलेगा, तो उसी संबंध में ये जो मीटिंग्स है रखी गई। तो आज क्या चुनाव में क्या रहेगा उसके बारे में? देखिए, अभी केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पर आया है, जिस प्रकार से विभिन्न विषयों पर बात होगी, और ये भी है कि इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने के नाते सभी से मिलना जुलना होगा, उसके बाद ही सभी की बात सुनकर इलेक्शन रणनीति। जी, स्वाभाविक बात है कि अब हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं, तो इलेक्शन ठीक प्रकार से हो और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए, उसके लिए हमारी तैयारी। 90 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी? देखिए, ये मीटिंगों के बाद ही तय होगा, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, एक उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहला जो वो बिल लाएंगे वो 370 को फिर से लाने का बिल है, उसको वो बिल लाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है, सपने पहले भी लेते रहे हैं, गुमराह करते रहे हैं लोगों को, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धारा 370 टूटने के बाद हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ये कश्मीर में जो इस प्रकार की इनकी दुकानदारी थी 370 को लेकर के, लोगों ने उसको नकार दिया है, तभी तो इनको हराया है। दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, तो आगे भी यही होने वाला है। क्या वो बिल ला सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये संसद में पास हो चुका है, इस पर कानून संसद ही बनाता है, संसद ने ही पहले लागू किया था, संसद द्वारा इसको हटाया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, बट जब इलेक्शन कमीशन ने अचानक ये अनाउंस किया तो इमीडिएटली पार्टी को स्टेप लेने हैं, क्योंकि कैंडिडेट को क्या अभी उन्होंने वर्कआउट करना है, कहाँ से क्या है थोड़ा है, तो उसके लिए जो भी हमारी इलेक्शन कमेटी बनी है उसके मेंबर हैं या और जो कंसर्न और लीडर हैं पार्टी के, वो दिल्ली से वो आ रहे हैं, और इमीडिएटली दो चार दिन में तो बड़ा हैक्टिक रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के इलेक्शन जो हैं वो जिस ढंग से इमीडिएटली अनाउंस हुए ना, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने जल्दी होंगे, तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए ये है कि सब नेता लोगों को आना पड़ेगा, ताकि वो लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो फाइनल कर सके। सर, अभी जुल्फिकार चौधरी जो है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह आपको देखते हैं? आप भी उसी एरिया से हैं, क्या कहेंगे, एक बूस्ट मिलेगा? देखिए वो अपने एरिया के हमेशा MLA भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट तो है अपने एरिया में, तो मुझे लगता है उससे अच्छा रहेगा, उससे फायदा रहेगा हमारी पार्टी को। लगता है कि जो जुल्फिकार चौधरी आए हैं उससे फायदा होगा? हाँ, श्योर, जरूर फायदा होगा।